टॉप 10 बेस्ट एनिमे ऑफ 2023 मैं अपनी पर्सनल लिस्ट बताऊंगा। और इसको बनाने से पहले मुझे लग रहा था कि शायद इस साल मैंने कुछ ज्यादा अच्छा देखा नहीं है, फिर जब लिस्ट निकाली घंटों निकाल दिए डिसाइड करने में कि टॉप 5 का ऑर्डर क्या होगा। टॉप 5 की बात छोड़ी दो, कुछ एनिमे के नाम जिस पोजीशन पे मैंने रखे तुमको देखकर सरप्राइज लगेगा इतना नीचे गए थे। ऑफिशियल लिस्ट की शुरुआत करने से पहले कुछ एनिमे के नाम बताना चाहूंगा जो कि अच्छे थे। तुम देख सकते हो डॉक्टर स्टोन का जो भी लेटेस्ट सीजन आया था, माय लव स्टोरी विद यामाटो-कुन बिकॉज़ आई एम अ सॉफ्टी फ्रॉम द हार्ट, कागुया समा की एक मूवी रिलीज हुई, बहुत मजा आया हुआ देखते हुए, बट दिसंबर 2022 जापान, इंडिया मार्च 2023 क्रंची रोल पे आया बट टेक्निकली लास्ट ईयर है इसीलिए लिस्ट के बाहर। हेल्स पैराडाइज जिसने शुरुआत एकदम बेहतरीन करी थी, पहला एपिसोड गजब और आगे चल के एनिमेशन ऐसा बट इट्स गुड। टॉप 10 लिस्ट की शुरुआत करते हैं ऑफिशियली नंबर 10 पे जो एनिमे है ओशिनोको। सिर्फ इसका एपिसोड नंबर 1 हम कंसिडर करें एज अ मूवी तो वो इस लिस्ट में और ज्यादा ऊपर होती। इट वॉज अ टोटल बैंगर। सीजन प्रीमियर उन्होंने 1 घंटे का निकाला और इसेंशियली वो एक प्रोलॉग है एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होने से पहले की कहानी। बाद में जब एक्चुअल एपिसोड्स 20-20 मिनट के आने लगे तो इसने अपनी पेसिंग को काफी स्लो कर दिया। मुझे देखने में मजा आया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बैक साइड बिहाइंड द सीन डार्क साइड बताता है एंड ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड, दैट्स वाई ऑन नंबर 10। बट उसके साथ में एक और दूसरा एनिमे है सेम नंबर 10, स्किप एंड लोफर। तुम में से कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हो कि एक फील गुड एनिमे को इतना ऊपर कैसे रख दिया, लेकिन जब मैं लिस्ट बना रहा था तो वो फीलिंग मुझे बार बार याद आ रही थी जो इस एनिमे को देखते वक्त मैंने महसूस किया, प्योर जॉय और हैप्पीनेस। यू नो व्हाट, नाउ दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मुझे रियलाइज हुआ कि इसको और ऊपर होना चाहिए, तो इसलिए मैं अपना वीटो पावर यूज करके उसको नंबर 9 पे ढकल रहा हूं। हर बार मार काट, बैंग बैंग और बड़े बड़े बजोंगर्स देखने के बदले कुछ ऐसा भी देखो जो चेहरे पे एक कांस्टेंट स्माइल बना के रखे। लास्ट ईयर बुच्ची द रॉक था, इस ईयर स्किप एंड लोफर। इसका मतलब क्या होता है, नंबर 9 पे अब 2 एनिमे हो चुके हैं। दूसरा वाला जो पहले से था मुशोको टेंसे जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2, ये भी काफी ज्यादा होलसम और कुछ लोगों के लिए रिलेटेबल शो हो सकता है जिसके अंदर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट का बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा है तो वो इस पूरे सीजन ट्राई करता है कि कैसे हाउ परचम लहराए। सीजन 1 जो कि वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्शन और कैरेक्टर्स के ऊपर इतना ध्यान दिया था ना, उससे काफी अलग है एंड यू शुड गिव इट अ ट्राई। अगर मैंने अभी तक नहीं बताया तो मेजॉरिटी एनिमे नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल पे अवेलेबल होंगे एक्सेप्ट फॉर नंबर 8 जो कि एक मूवी थी, थिएटर में रिलीज हुई और उसके बाद गायब, बट वो थिएटर एक्सपीरियंस काफी गजब का था, स्पेशली जब उसके डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला। सोच नहीं सकते, जहां पे भी जाता हूं एनिमे का क्राउड अगर दिख गया ना तो पहला फ्लेक्स यही होता है कि माकोतो शिंकाई से मिलाया मैं, या हाथ मिलाया मैंने, साथ में फोटो भी खिंचवाई एडिटर फुल स्क्रीन। उनकी मूवी आई थी सुजुमे और जैसा वो हर बार करते आ रहे हैं इस बार भी ही डिलीवर्ड विद अ वेरी हैवी टच ऑफ सुपरनैचुरल। नंबर 7 पे एक एनिमे है बट उसको देखने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डिफरेंट क्योंकि उसके हर एपिसोड 1 घंटे के। एक सीजन आया, सारा का सारा एक ही दिन 8 ही एपिसोड है उसके अंदर। कुछ ही दिनों पहले एक पूरी वीडियो बनाई थी प्लूटो, मिस्ट्री से भरपूर, थीम्स और मीनिंग्स को लेकर काफी डीप में जाती है, जस्ट लाइक मी। मॉन्स्टर के जो क्रिएटर है उन्हीं का ये एक और क्रिएशन है। तुमको अगर इसके बारे में और जानना है तो मेरी वीडियो चेक कर सकते हो या फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर पूरी सीरीज, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे नंबर 6 पर। एक एनिमे का नाम रखने के बाद मैं खुद शॉक हो गया कि ये इतना नीचे कैसे आ गया, विलेंट सागा सीजन 2 एंड द रीजन व्हाई आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आई जस्ट लव विलेंट सागा, वो भी एकदम बोल्ड कैपिटल लेटर्स में। मुझे याद है जब इसका सीजन 2 आने वाला था लोग पूछते थे कि यार इसके अंदर एक्शन नहीं होगा, मैंने सुना स्टोरी काफी डिफरेंट हो जाएगी लोग बोल रहे हैं, सीजन 1 जैसा नहीं रहेगा तो मजा आएगा क्या। आई गेस उनको सारे आंसर्स मिल गए क्योंकि पहले सीजन को लेके कंप्लेन यही मारा जाता था कि जो मेन कैरेक्टर है थॉरफिन का उसका डेवलपमेंट किधर है, इधर है एंड द वे ही ग्रोज हिमसेल्फ प्लस वो फार्म, फार्मलैंड सागा इज पीक। पर्सनली आई एम जस्ट सो हैप्पी कि इतने सारे लोग इसके साथ कनेक्ट कर पाए और उनको देखने में मजा आया। नाउ वी मूव इनटू टॉप 5 और ये पांचों के नाम बताने से पहले ऑनरेबल मेंशन अभी बता देता हूं जो इस टॉप 10 में नहीं आ पाया, डेमन स्लेयर सीजन 3। अगर तुम सोच रहे थे मैं एक्शन शॉनन का चूड़ा हूं इसको ऊपर रखूंगा तो नहीं, इट वाज गुड बट सीजन 2 से कम। तो बादल, जब डीमन स्लेयर बाहर रह सकता है पूरे लिस्ट से, टॉप 5 में फिर क्या रखा है तूने? नंबर 5 पे एक एनिमे जैसी दिखने वाली वेब सीरीज है जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था मुझे, वो एकदम से आया और इतना बड़ा बम गिराया, लेकिन मैंने जो शब्द यूज किए तुमने ध्यान से सुना, ये टेक्निकली एक एनिमे नहीं है क्योंकि इसका प्रोडक्शन फ्रेंच स्टूडियो ने किया, क्रिएटर्स मोस्टली अमेरिकन है जिसमें से एक शाउट आउट माइकल ग्रीन को, छोटे मोटे राइटिंग क्रेडिट्स है इनके नाम पे,
जैसे कि ब्लेड रनर 2049, लोगन और ग्रीन लालटन। ये सब कुछ मिलाकर एक शो प्रोड्यूस होता है, ब्लू आई सामुराई, अ क्लासिक टेल ऑफ रिवेंज, जिसमें एक सामुराई सोसाइटी के अंदर उसको डीमन कंसीडर करते हैं और बदला लेना है अपने बाप से, और उसके लिए वो बहुतों को काटता है। ए, इट लुक्स गॉर्जियस, बी, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से करी है, तीसरा, इसका एक्शन कमाल का है, और चौथा, जो कैरेक्टर ग्रोथ, इट्स डैम गुड। वही बात फिर से, 8 एपिसोड से 1-1 घंटे के नेटफ्लिक्स के ऊपर सब एक साथ देख सकते हो। नंबर 4, हेवनली डिलिजेंस, इंडिया के अंदर लीगली हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन वहां पे तुम अगर जाके सर्च करोगे हेवनली डिलिजेंस तो शायद नहीं दिखेगा। व्हाई? सस्ते नशे आई गेस। जापानीज नाम डालना पड़ेगा, टेंगोकू डाइमाकियो। इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ मिस्ट्री, एक्शन, मॉन्स्टर्स, पोस्ट अपोकलिप्टिक एक्शन, मॉन्स्टर्स, पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, एफ्ट ऑफ कैरेक्टर्स, एफ्ट ऑफ सिचुएशंस, और एकदम बेहतरीन एनिमेशन, जिसके बैकग्राउंड पे अगर तुम खास कर ध्यान दोगे ना, एकदम पेंटिंग फील होगा। ऊपर से मात्र 13 एपिसोड हैं इसके 22 से 25 मिनट के, तो आई डोंट सी ए रीजन कि क्यों इसको नहीं देखना चाहिए। बट सैडली 3 और एनिमे है जिन्होंने ज्यादा मुझे टच किया इससे। नंबर 3 और सबसे लेटेस्ट, फ्री रेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। यूजुअली हम लोग स्टोरीज देखते हैं जिसमें हीरोज का एक ग्रुप साथ में आता है, पूरी जर्नी करता है डीमन किंग को हराने के लिए। एपिसोड की शुरुआत का पहले फ्रेम में ही वो डीमन किंग हार चुका है। तो ये सीरीज इसेंशियली वो टिपिकल एंडिंग जहाँ पे शो खत्म हो जाते हैं उसके बाद की शुरुआत है। ओके, व्हाट एल्स इज यूनिक अबाउट दिस शो? इसके स्टोरी की मेन कैरेक्टर जो कि उस ग्रुप में थी डीमन किंग को हराने वाले, इज एन एल्फ। हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं वो, उनके सामने इंसान 50, 60, 70। जिस तरीके से इस बात को प्रेजेंट करते ना कि एक झटके में सालों निकल जाएंगे, लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर लिटरली अनचेंज, तो उसके साथ में जो लोग गए थे उस राक्षस को हराने के लिए वो मर चुके हैं ओल्ड एज के कारण, और तब जाके फ्री रेन को रियलाइज होता है कि जो जर्नी उसने की थी लोगों के साथ वो कितनी स्पेशल थी। और यहाँ से इस सीजन की शुरुआत। एपिसोड 1 की बात करूं तो बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल है, जहाँ पे यूजुअली तुमको सारी चीजें क्रैम करके फिट करने की कोशिश की जाती है, नहीं, ये अपने पेस पे आराम से चलती है। इनफैक्ट एक्शन, जो कि लोगों को हुक करने का इतना बड़ा टूल है, वो तुमको पहली बार इसके अंदर शायद एपिसोड 5 में देखने मिलेगा, एक्चुअली नंबर 6 में, लेकिन जब वो आता है 1.5 से 2 मिनट की वो फाइट वाली क्लिप, और आगे चल के जो फ्री रेन अपनी ताकत दिखाती है, प्रॉपर एक्शन एनिमे जो होते हैं ना, जिनकी रोजी रोटी यही होती है, उनको भी शर्मिंदा कर दे। डू चेक इट आउट, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जल्दी बनाऊंगा, बिकॉज नाउ वी आर इन टॉप 2। और अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुमको एक रफली अंदाजा आ जाना चाहिए कि अब कौन से 2 एनिमे बचे हुए। ऑन सेकंड प्लेस इज सेकंड सीजन ऑफ जुजुत्सु काइसन। थोड़ी देर पहले डेमन स्लेयर को डिनाउंस करके जो मैंने बोला ना कि एक्शन का चुता नहीं हूं, मैं एक्चुअली हूं, आई एक्सेप्ट इट। इसके अंदर क्या होने वाला है पहले से पता होने के बाद भी, जब वो एपिसोड्स के अंदर होता था तो दिमाग का दही। मांगा रीडर्स जो सालों से शिबुया इंसिडेंट का गॉग गॉग कर, एनिमे लिव्ड अप टू इट्स पोटेंशियल। पीक जेजेके को पीक पे क्यों नहीं रख पाया, नंबर 2 पे क्यों है, उसके पीछे 2 रीजन। सबसे पहला कि काश मैंने इसकी मांगा रीड नहीं करी होती, हर एपिसोड में सरप्राइज के बाद सरप्राइज देखने मिलता तो एक्सपीरियंस और ज्यादा एलिवेट हो जाता, और दूसरी चीज, काश एनिमेटर्स को अच्छे से ट्रीट करते। मैड वाली रिस्पेक्ट देनी बनती है, वर्किंग कंडीशंस को जानने के बाद भी उन्होंने इसको टाइम पे फिनिश किया, और सोच के बहुत दुख होता है कि अपने विजन को एग्जीक्यूट करने का प्रॉपर टाइम मिला होता तो ये और कितना ज्यादा एलिवेट कर पाते, इसीलिए नंबर 2 पे। अब बढ़ते हैं नंबर 1, कोई गेस करना चाहेगा? अटैक ऑन टाइटन, जिसका फाइनल सीजन के फाइनल चैप्टर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हिस्सा लाया था। शुरुआत में रमलिंग अपने को ग्राउंड लेवल पे दिखाई है कि कैसे लोगों को कुचला जा रहा है, एरन का वो फ्रीडम वाला सीन, हांजी का सैक्रिफाइस, और पार्ट 2 के अंदर जो पूरा एक्शन भरा हुआ था, प्लस उसकी एंडिंग। एंडिंग से ज्यादा इस बात का दुख, इस बात को सोच के इमोशनल हुआ कि ये सीरीज एंड हो गई। मापा अगर इसको भी जुजुत्सु काइसन वाला ट्रीटमेंट देता तो शायद लिस्ट पे नीचे हो सकती थी, बट उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया और गॉर्जियस लुकिंग फिनाले बनाया। क्या इसको नंबर 1 पे रखने के पीछे मेरा खुद का पर्सनल बायस है? हाँ, और ये मेरी लिस्ट है, लेकिन वो भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि नंबर 1 के ऊपर भी एक चीज आती है, नंबर 0, लिटरल गॉड टियर ऑफ एनिमे, इट कैन बी कंसीडर्ड अ बिग बैंग, एंड ऑफ नथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। वो इतना बड़ा जीरो है कि तुम उससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो एंड में जीरो ही रहेगा। क्या तुम गेस कर सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं?